हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर कर रहे हैं और इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि पिछले कुछ घंटे से आपके पर्सन क्या कुछ फील कर रहे हैं और अगले कुछ घंटे आपके पर्सन क्या कुछ फील करने वाले हैं, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले। और गाइज, मैं आज के बाद से एक नई चीज़ शुरू कर रही हूँ अपने वीडियो में। मैं क्या करूँगी कल के वीडियो से, आज मैं ये वीडियो डाल रही हूँ तो कल या परसों के वीडियो या दो तीन दिनों पहले की वीडियो में से मैं दो कमेंट्स निकालूंगी हर रोज़। आज नहीं करूंगी, कल से स्टार्ट करूंगी ये चीज़ मैं, और मैं उन दो सब्सक्राइबर्स के सवालों के जवाब दूंगी। देखो, जवाब दूंगी वीडियो में दे रही हूँ, फ्री में आंसर दे रही हूँ, छोटे से ही आंसर्स दूंगी मैं, बहुत लंबी चौड़ी, जैसे पर्सनल रीडिंग होती है ना आपकी बड़ी सी, वैसे नहीं दूंगी। अगर आप एफर्ट कर सकते हो पर्सनल रीडिंग, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, बुकिंग करा सकते हो, लेकिन जो लोग यू नो, आई विल पिक अप टू सब्सक्राइबर्स जब जब मुझे पॉसिबल होगा। मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ कि मैं रोज़ करूँगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं रोज़ करूँ, दो लोगों के कमेंट्स को पिक करूँ और उनके सवालों के जवाब दूँ, ठीक है? तो अभी मैं आज बता रही हूँ, तो कल से आप क्वेश्चंस डालना शुरू कर दो, ठीक है? और मैं आपके सवालों के, किसी भी दो लोगों के मैं सवाल को रैंडमली पिक करूँगी और उनके सवालों के जवाब दूंगी, ठीक है? शॉर्ट में दूंगी। देखो, पर्सनल रीडिंग में आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझाई जाती है, बट क्योंकि हम यहाँ पे वीडियो में आपके सवाल के जवाब दे रहे हैं तो शॉर्ट में बताऊंगी, ठीक है? और आपको सवाल का जो फॉर्मेट है वो कैसे रखना है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। आपको सबसे पहले अपना नाम बताना है, माय नेम, माय पार्टनर्स नेम, और फिर क्वेश्चन डालना है। और क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, एक ही क्वेश्चन डालना है, ठीक है? आपको ऐसा नहीं लिखना है कि मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पार्टनर मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, वो मेरे पास वापस आएंगे या नहीं, यू नो, मेरी और उनकी शादी होगी या नहीं। तो तीन चार सवाल मत पूछो, एक ही सवाल पूछो और ऐसा सवाल पूछो कि मैं उसका जवाब आपको दे पाऊँ, ठीक है? कल से नहीं शुरू करेंगे क्योंकि आज आपको ये वीडियो में पता चलेगा, तो कल से आप कमेंट्स डालना शुरू करूंगी, तो एक दो दिन बाद में ये चीज़ शुरू करूंगी। और अगर आज की वीडियो देख के तुरंत कमेंट्स आ जाते हैं इसी वीडियो के नीचे, तो उनमें से दो लोगों को मैं सिलेक्ट करूंगी और उनकी रीडिंग में, नेक्स्ट रीडिंग में करूंगी, ठीक है? और ये जो रीडिंग होगी वो वीडियो के एंड में होगी, तो पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि क्या होता है, आप लोग स्किप करके वीडियो देखते हो तो आपको फिर आपके अगर सवालों का जवाब मैंने दे दिया तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है? तो हर वीडियो देखनी है आपको, वीडियो को लाइक करना है और फिर आपको अपना सवाल का जवाब मिल जाएगा, ठीक है? तो आई होप मैंने क्लियर कर दिया है क्या करना है आपको। चलो रीडिंग को शुरू करते हैं। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं लास्ट फ्यू आवर्स क्या आपके पर्सन फील कर रहे हैं और नेक्स्ट फ्यू आवर्स क्या फील करेंगे, ठीक है? चलो शुरू करते हैं रीडिंग। तो मैं यहाँ पे कैंडल को लाइट कर देती हूँ और देखते हैं लास्ट फ्यू आवर्स से आपके पर्सन क्या कुछ फील कर रहे हैं आपके लिए। उनका नाम लीजिए तीन बार, डिवाइन से प्रे करिए कि आपके पार्टनर के जो फीलिंग्स है वो आपको इस रीडिंग के थ्रू समझ आ जाए और आपके सवालों के जो भी जवाब है वो भी आपको इस रीडिंग के थ्रू मिल जाए। ओके, आप दोनों के रिश्ते में मुझे सबसे ही पहली एनर्जी फील हो रही है ना आपके रिश्ते में, ना मुझे लगता है कि बहुत बुरी नजर लगी हुई है, ठीक है? क्योंकि आप दोनों के बीच सब कुछ सही था, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, बट एकदम से चीज़ें खराब होना शुरू हो गई, एकदम से आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई, प्रॉब्लम्स होना आप दोनों के बीच शुरू हो गई है, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ। क्योंकि आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर बहुत पैशन था, वो ऑब्सेस्ड थे आपसे, लेकिन चीज़ें डेफिनेटली काफ़ी हद तक खराब आप दोनों के बीच में हुई है, ठीक है? अच्छा, करंट लास्ट फ्यू आवर्स की अगर एनर्जी हम देखें तो मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा फ्लर्टेशियस एनर्जी में है, जैसे वो आपके साथ मजाक मस्ती करना चाहते हैं, आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, उस बारे में सोच रहे हैं, मतलब बहुत मजाक किया, बहुत ही फ्लर्टेशियस माइंडसेट हो रखा है इस वक्त, पिछले कुछ घंटों से इस पर्सन का।
मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन किसी चीज से उभर चुके हैं, किसी चीज से हील हो चुके हैं, इनका माइंडसेट मुझे काफी सही डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। ये जो भी सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं, ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। ओके, अब इनको अकेलापन महसूस हो रहा है, अब ये आपको मिस करने लगे हैं, ठीक है। जितना आप इनको मिस करते हो उतना अब ये पर्सन आपको मिस करने लगे हैं। इनको अब ऐसा लगने लगा है जैसे ये अकेले पड़ चुके हैं। ओके, जैसे जैसे आप उनसे प्यार नहीं करते, जैसे आप उन पर आप अटेंशन नहीं देते, तो एक खालीपन, एक अकेलापन, लोनलीनेस इस पर्सन को फील हो रही है पिछले कुछ घंटों से। लेकिन ये अपने आप को पॉजिटिव रखने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। ओके, इनको एक चीज़ तो समझ आ गई है कि आपको पाना जितना ज़्यादा उनके लिए मुश्किल था, आपके दिल में जगह बनाना जितना मुश्किल था, अब उतना ही मुश्किल होगा आपके ट्रस्ट में, आपके दिल में अपने लिए ट्रस्ट जगाना, अब आपको अपने लिए प्यार फील करवाना उतना ही मुश्किल होगा। दे नो दैट, उनको पता है ये रिश्ता बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है उनके लिए, आपका दिल जीतना, आपके मन में ट्रस्ट पैदा करना। क्योंकि मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर ने बहुत पापड़ बेले आपको पाने के लिए, ठीक है, और फिर इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया किसी और के लिए या किसी और सिचुएशन के लिए, तो वहीं बात बिगड़नी शुरू हो गई आप दोनों के बीच में। लेकिन उनको इसमें आपका भी साथ चाहिए, वो चाहते हैं कि तुम अगर साथ दोगे तो ही ये पॉसिबल है कि हम दोनों इस रिश्ते को आगे बढ़ा सके, तो ही ये पॉसिबल है कि हम चीज़ों को ठीक कर सके। अगर तुम्हारा साथ नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं हो सकता। तो वह आपका साथ चाहते हैं, आपका कोऑपरेशन चाहते हैं। बेसिकली उनको चाहिए कि तुम जो मुझे मना कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, एक ध्यान नहीं दे रहे हो, अटेंशन नहीं दे रहे हो, ये बंद करो, ठीक है। लेकिन मेरा इनसे ये सवाल है, जब आपको ये इग्नोर कर रहे थे, जब आपसे ये बात नहीं कर रहे थे, जब आपको अवॉइड कर रहे थे, आपसे दूर भाग रहे थे, आपके प्यार को ये डिसओन कर रहे थे, तब आपको क्या लगा होगा, तब आप पे क्या बीती होगी, तब आपको कैसा फील हुआ होगा, ये तो नहीं सोचा इन्होंने? तब क्यों नहीं सोचा फिर इन्होंने? आज अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें ये कर रहे हैं, व्हाई डिडंट दे थिंक देन? ओके, सेल्फिश है ये पर्सन। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, अब ये जो भी करना चाहते हैं वो आप दोनों के हित में करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ भी इनजस्टिस ना हो और उनके साथ भी इनजस्टिस ना हो, जो सही है इस रिश्ते के लिए, आप दोनों के लिए, ये वही चीज़ें करना चाहते हैं, ठीक है। मुझे लगता है इन्होंने अगर बहुत बुरा आपके साथ किया, व्यवहार किया, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, डोमिनेट करने की कोशिश करी, परेशान करने की कोशिश करी, किसी भी तरह से, किसी भी तरह से इन्होंने जब जैसे भी आपको परेशान करने की कोशिश करी, मुझे लगता है उनको उस चीज़ का कहीं ना कहीं भुगतान करना पड़ा है, कोई कर्मा इनको फेस करना पड़ा है। बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ मैं देख रही हूँ। ओके, ये पर्सन पहले क्या करते थे, सीरियसनेस की कमी थी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ ये आपसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन इनके अंदर सीरियसनेस की डेफिनेटली कमी रही है पास्ट में। ये हमेशा ही फ्लर्टेशियस एनर्जी में रहना, लस्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, फिजिकल इंटीमेसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना बजाय के इमोशंस को और फीलिंग्स को। तो पिछले कुछ घंटों से इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि वो वहाँ गलत रहे हैं। प्यार को इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा देनी चाहिए, लस्ट को और इन्फैचुएशन, ये सारी चीज़ें तो हेल्प नहीं करेगी रिश्ते को किसी भी तरह से। उनको बेसिकली क्या हो रहा है ना, उनको अपनी गलतियाँ समझ आ रही है कि वो कहाँ गलत गए आज तक, उन्होंने क्या कुछ गलत किया, उन्हें क्या कुछ करना चाहिए था लेकिन उन्होंने क्या कुछ किया। सो अपनी गलती को समझ रहे हैं, मैं कहाँ गलत गया, अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि तू कहाँ गलत गया, तूने कहाँ चीज़ों को गलत से किया, कैसे तू चीज़ों को सही से कर सकता था। क्योंकि इस पर्सन ने ना प्यार दिया आपको तो बहुत दिया, और दुख दिया तो वो भी आपको बहुत दिया इस पर्सन ने, ठीक है। पिछले कुछ घंटों से मुझे लगता है ये पर्सन जैसे होता ना कि एक आने की कोशिश करना फिर अपने पैर पीछे खींच लेना, आने की कोशिश करना, मैसेज करने के लिए टाइप करना फिर उसको मिटा देना, कॉल करने के लिए लगा लेना फिर उसको एंड कर देना, कुछ ऐसा कर रहे हैं। ये आगे पीछे चल रहे हैं, ये आपके तरफ आ रहे हैं और फिर दूर जा रहे हैं। तो इनका कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं हो पा रहा है, कंफ्यूज दिख रहा है मुझे, ठीक है। क्योंकि इनको भी पता है कि अब ना आप इनकी चालाकियां, इनकी चीटिंग, डिसऑनेस्टी, झूठ बोलना, झूठे प्रॉमिसेस करना और उनको नहीं निभाना, इन चीज़ों से आप थक चुके हो,
उनको बहुत अच्छे से पता है ये चीज़ कि आप अब मानोगे नहीं, यू विल नॉट यू नो एंटरटेन, टाइम पास को आप एंटरटेन नहीं करोगे, उनको बहुत अच्छे से पता चल चुका है। इसीलिए कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन ओपनली आ नहीं पा रहे हैं, क्लियरली आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, सिर्फ आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई एक नतीजे तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जल्द से जल्द इस रिश्ते के लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बिकॉज उन्हें भी पता है कि अब आपको आपका दिल जीतना मुश्किल होगा। क्योंकि देखो क्या है ना कि आपको इस पर्सन ने इतनी बुरी फीलिंग फील कराई है ना, आपको आइसोलेट किया, आपको अकेलापन बहुत बुरी तरह से महसूस कराया है इस पर्सन ने, ठीक है। कई बार ऐसा भी हुआ है ना कि आपको रिग्रेट हुआ कि क्यों ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आया, या मैंने क्यों इसको मौका दिया, मैंने क्यों इसको अपनी लाइफ में रहने दिया। ओके, आपको कई बार ऐसा भी फील कराया है इस पर्सन ने अपने बिहेवियर से। तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये ग्राउंडेड नहीं रहेंगे, अगर स्टेबिलिटी नहीं देंगे आपको, कमिटमेंट नहीं देंगे, तो आप इनको एंटरटेन नहीं करोगे एट एनी कॉस्ट, दे नो दैट। अब अगर इनको आना है तो सही तरीके से आना है तो ही कोई बात बन सकती है आपके साथ, वरना नहीं बन सकती, दे नो दैट। इसीलिए तो ये तो इतना टाइम ले रहे हैं, इसीलिए तो सोच रहे हैं इतना ज़्यादा, ठीक है। पिछले कुछ घंटों से मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन नए तरीके से ढूंढना चाहते हैं, नई तरीकों को सोच रहे हैं कि कैसे वो आपको इम्प्रेस कर सकते हैं, या आपको यकीन कैसे दिला सकते हैं कि वो अब आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, या वो आपको अब परेशान नहीं करेंगे, वो आपके साथ लॉयल रहेंगे, या वो आपके साथ कंसिस्टेंट रहेंगे। इस पर्सन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही है, ऑन एंड ऑफ करना, कंसिस्टेंट रहे ही नहीं है कभी। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई चले गए, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई चले गए, ठीक है। देखो इनको अब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इस रिश्ते की, एंड दे नो दैट, और वो उसी बारे में सोच रहे हैं कि मुझे अब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इस रिश्ते की। रिश्ता मुझे मिला तो है, लेकिन जब तक मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा नहीं, मैं इस रिश्ते को दिल से नहीं चलाऊंगा, कुछ नहीं हो सकता इस रिश्ते का, दे नो दैट। सो दे हैव टू बी ऑनेस्ट, दे हैव टू बी यू नो रिस्पॉन्सिबल, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और है इस पर्सन के पास इतना दिमाग है, इतनी ताकत है, इतनी कैपेसिटी है कि इस रिश्ते की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इस पर्सन के लिए। वो उतना सामर्थ्य रखते हैं कि वो ले सकते हैं इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। क्योंकि उनको भी पता है कि इस रिश्ते का जो भी हाल है वो आपके उनके वजह से है, उनके बिहेवियर के वजह से, उनके ईगो के वजह से है, उनके डिसऑनेस्ट रहने के वजह से है, झूठ बोलने के वजह से है, दे नो दैट। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन आपसे लड़ाई नहीं करना चाहते, वो जिस चीज़ से ज़्यादा डरते हैं ना वो है लड़ना झगड़ना, यू नो उनको लगता है ये रिश्ते को स्पॉइल कर देता है लड़ना झगड़ना, ठीक है। बट एक टाइम ऐसा था जहाँ पे पर्सन खुद आपसे लड़े झगड़े हैं, तो ये पर्सन पता है बहुत हिपोक्राइट है मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि जो ये खुद करते हैं उसी चीज़ को ये गलत ठहराते हैं। फिर खुद क्यों करते हो ये बात, यू नो मुझे लगता है कि गलत है, क्या तुम खुद कर रहे हो तब सही है, मतलब वो ये ऐसा ही हो गया ना कि तुम करो तो रासलीला, यू नो हम तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, आपके लिए ये मतलब मैं बोल रही हूँ कि आप जो करते हो वो उनको गलत लगता है, खुद वही चीज़ें करते तो वो सही लगता है। ओके, कितना अट्रैक्शन फील कर रही है ये पर्सन, उनको ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं आप बहुत इनको अलग ही दिख रहे हो, मतलब पता नहीं आपने अपने अंदर क्या चेंजेस लाए हैं, लुक्स में चेंजेस लाए हैं, या पर्सनालिटी में, या एटीट्यूड में कुछ बदला है, एंड दे जस्ट लव इट। इस पर्सन को आपके पर्सनालिटी का ये चेंज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत अट्रैक्ट भी कर रहा है और बहुत चैलेंज भी कर रहा है, ठीक है। उनको लगता है कि आप बहुत बदल गए हो, लेकिन इस बदलाव को भी वो बहुत चैलेंज की तरह ले रहे हैं, और इस पर्सन को चैलेंजेस पसंद है। इस पर्सन को ईजी से ईजिली मिलने वाली चीज़ें पसंद नहीं है, इनको जो चैलेंजिंग चीज़ें होती है वो बहुत पसंद आती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स ये क्या फील करेंगे। हेलो गाइस, चलिए देखते हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होने वाली है, या वो क्या एक्शन ले सकते हैं आपके लिए। तो उनका नाम लीजिए 3 बार और डिवाइन से प्रे करिए कि इस रीडिंग के थ्रू आपके सारे सवालों के जवाब आप तक पहुंच जाए। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देखते हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पर्सन क्या कुछ फील करने वाले हैं या क्या एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको स्टॉक कर सकते हैं, बहुत हैवीली स्पाई कर सकते हैं,
और कहीं ना कहीं मुझे ये अपने दिल को, दिल की आवाज़ को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, अपने अपने दिल को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, और इनका दिल इनको आपके तरफ ही लाता है हमेशा. ओके इनको ऐसा लगेगा कि यार कब तक हम दोनों ऐसे ही रहेंगे, कब तक हम बात नहीं करेंगे, कब तक चीज़ें स्टक रहेगी, कभी तो चीज़ों को बदलना पड़ेगा, कभी तो मुझे स्टैंड लेना पड़ेगा. ओके बहुत डिज़ायर फील करेंगे आपके टूवर्ड्स, बहुत अट्रैक्शन फील करेंगे. कहीं ना कहीं इनके दिल में ये इच्छा होगी कि ये आपको और जाने, ये आपको और समझे, ये आपके साथ और वक्त बिताए. ओके यस मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ और वक्त बिताना चाहते हैं, या आपको इवन ये आपके सामने ऑफर रख सकते हैं. अगर इनकी और आपकी बात हो जाती है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, ये बोल भी सकते हैं कि चलो मिलते हैं, कहीं जाते हैं, यू नो ये आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है वक्त बिताएंगे तो ही वो आपको समझ पाएंगे और आप उनको समझ पाओगे और वो आपके दिल में ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे. ओके मुझे ऐसा लगता है इनका जो डिसीजन पिछले कुछ घंटों में हो नहीं पा रहा था, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में वो डिसीजन इनका हो जाएगा. ओके एक बैलेंस्ड डिसीजन हो जाएगा इस पर्सन का, जो सही गलत के बीच वाला जो डिसीजन होता है ना, ये पर्सन वो सही डिसीजन और गलत डिसीजन के बीच वाला जो डिसीजन है वो ले लेंगे फाइनली. ओके अगर इनके पास चॉइसेस है, फॉर एग्जांपल अगर इनके लाइफ में आपके अलावा भी कोई और है, तो ये आपको चूज करने वाले हैं. ठीक है, इनका डिसीजन आपके हक में होगा, आप जीतने वाले हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये पर्सन आपको चुन रहे हैं. मुझे ऐसा भी लगता है कि पर्सन आपको जलाने की भी कोशिश कर सकते हैं, आपके अंदर जेलसी पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं, किसी और के साथ बात करके या किसी और के बारे में कुछ बता के, कुछ पोर्ट्रे करके आपके मन में अपने लिए क्या है, रिएक्शन आपकी क्या होगी अगर वो किसी और के साथ बात करते, किसी और के साथ दिखते हैं, या आपको बताते हैं कि मैं किसी और के साथ हूँ, तो आपकी रिएक्शन क्या होगी, वो रिएक्शन पाने की कोशिश कर सकते हैं ये पर्सन. ओके यस मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन आपसे अब रूडली नहीं बिहेव करना चाहते, बहुत हम्बल होके, बहुत प्यार से, बहुत कंपैशन के साथ, ये होशियारी के साथ सोच समझ के आपसे डील करेंगे. ठीक है, ये पहले क्या करते थे, जो मन में आए बोल देते थे, जो मन में आए कर देते थे, अब नहीं, अब जो बोलेंगे सोच समझ के करेंगे, जो बोलेंगे सोच समझ के बोलेंगे. ओके मुझे लगता है इस पर्सन को ना जैसे होता है ना कि स्ट्रगल कर रहा है बहुत ज़्यादा, इस रिश्ते के बद सिवा ये पर्सन खुश नहीं है, स्ट्रगलिंग, दे आर स्ट्रगलिंग. हम स्ट्रगल कब करते हैं, जब हम खुश नहीं होते हैं किसी सिचुएशन में. हाँ हम अगर खुश है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अगर स्ट्रगलिंग चल रही है, हम अगर जैसे तैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम उस डिसीजन के साथ खुश नहीं होते. तो ये पर्सन आपके बिना खुश नहीं है, नो मैटर इन्होंने आपको खुद छोड़ा है या जो भी है, दे आर नॉट हैप्पी. और ये चीज़ इनको बहुत स्ट्रांगली रियलाइज होने वाली है कि यार उसके बिना तो मेरी लाइफ ठीक नहीं है, मैं खुश नहीं हूं उसके बिना. बहुत स्ट्रांगली इनके अंदर मैं आपको लेकर, जैसे होता है ना कि एक फ्रेश, एक पैशन, नए सिरे से एक नया जोश, एक नया पैशन मैं इनके अंदर देख रही हूँ. क्या आई वॉन्ट दिस पर्सन, मुझे इंसान चाहिए यार, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, इसके बिना मेरी लाइफ स्ट्रगल है, इसके बिना मेरी लाइफ डिफिकल्ट है. मुझे ये फीलिंग बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के अंदर दिख रही है, जैसे वो खुश नहीं है आपके बिना. दे वॉन्ट यू, दे वॉन्ट दिस कनेक्शन टू फ्लरिश, दे वॉन्ट थिंग्स टू मूव फॉरवर्ड. ओके ये बहुत कोशिश करेंगे गाइज आपका अटेंशन पाने की इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स. ये किसी भी तरह से हो सकता है, चाहे आपको जेलस करके, चाहे आपके लिए आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं. दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू गेन योर अटेंशन. ठीक है, कुछ तो बहुत बड़ा डिसीजन ये लेने वाले हैं, लेट मी टेल यू दिस. अब हर एक के लिए ये चीज़ अलग हो सकती है. अगर आपके केस में थर्ड पार्टी है तो हो सकता है ये थर्ड पार्टी को छोड़ दे वंस एंड फॉर ऑल. अगर फैमिली इश्यूज है तो ये फाइनली एक बैलेंस बना लेंगे, फैमिली को तो छोड़ नहीं सकते, तो फैमिली और आपके साथ एक बैलेंस बना लेंगे. ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें आपके हक में बदलने वाली है इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स.
कुछ तो आपके हित में होने वाला है. आपने आज तक जितना भी दिया है इस रिश्ते में, जितने एफर्ट्स डाले हैं, यू नो, जितना डेडिकेशन दिखाया है आपने इस रिश्ते में, उतना डेडिकेशन अब आपके पर्सन दिखाने वाले हैं. लेट मी टेल यू दिस. तो ये आपके लिए एक रिवॉर्ड है, यूनिवर्स की तरफ से एक गिफ्ट है, क्योंकि आप पेशेंस रखा आपने, आपने बहुत दिया दिल से इस रिश्ते में. अब आपको ऐसा प्यार मिलने वाला है जो स्टेबल है, जिसके सक्सेस की उम्मीद ज़्यादा है, जिससे आप उम्मीद रख सकते हो. मुझे यूनियन ऐसा होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, जो बहुत ही इमोशनल होगा, बहुत ही प्यार भरा होगा, बहुत ही स्टेबल होगा. ओके, क्योंकि ये पर्सन को पता है ना, मैंने बोला ना आपको, इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि अब आप कम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो. आपके डिज़ायर्स ज़्यादा है, आपके एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, और उनको वो फुलफिल करनी पड़ेगी. ओके, उनको बहुत अच्छे से पता है कि अब आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए. एंड दे नो दैट. ओके, यस, उनको पता है कि वो छोटा मोटा ऑफर तो आपके सामने लेकर नहीं आ सकते. अगर उनको आना है तो उनको बड़ा ऑफर आपके सामने रखना चाहिए, तभी जाके आप मानोगे. ओके, तो आप ना रेडी रहो, मैं आपको बोल रही हूँ, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आप रेडी रहो टू वेलकम दिस पर्सन इन योर लाइफ. ठीक है, अभी आपका डिसीजन होगा कि आपको उनको आने देना है या नहीं आने देना है. मैं बस आपको बता रही हूँ, बी रेडी फॉर अ न्यू स्टार्ट विद दिस पर्सन. ओके, आपके सारे डिजायर्स, आपकी सारी विशेज, आपकी सारी मन्नतें पूरी होने वाली है, आपकी सारी मैनिफेस्टेशन अब पूरी होने वाली है. सो खुश रहो, तभी ही ये खुशी आपको मिलेगी. अगर दुखी रहोगे तो यूनिवर्स आपको ये खुशी नहीं देगा. ठीक है, दरवाजे तक आकर चली जाएगी खुशियाँ, क्योंकि ये पर्सन आपके पास ऐसे आएंगे जैसे हारे हुए, हार कर लौटेंगे आपके पास, जैसे भाई माफ कर दो, हार गया मैं, तुम जीत गए. ठीक है, इस माइंडसेट से, इस एटीट्यूड में आपके पास आने वाले अगले कुछ घंटों में. मुझे लगता है नेक्स्ट 9 आवर्स, अगले 9 घंटों में मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है ये पर्सन वापस आने वाले हैं आपके पास. मैं इस चीज को बहुत क्लियरली आपको बता दूं. ठीक है, और जिसके भी पर्सन नेक्स्ट 9 आवर्स में उनके पास आते हैं, आपको कमेंट जरूर करना है यहाँ पे वीडियो पे आके. ठीक है, बट इनको ये आपको जैसे देखेंगे ना कि आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो, आपको इनकी नीड नहीं है अभी. हाँ, आप इनको चाहते हो, लेकिन आपको इनकी जरूरत नहीं है, आप इनके बिना मरे नहीं जा रहे हो पहले जैसा. तो इनको थोड़ा सा हर्ट भी हो सकता है. ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अभी मैच्योर हो गए हो, आप अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीख गए हो, एक बैलेंस रखना सीख गए हो इमोशंस में. ये चीज़ इस पर्सन को थोड़ा सा खटक भी सकती है कि आप स्ट्रांग कैसे हो गए. ओके, आपको उनकी अब नीड कैसे नहीं है. मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा भी लग रहा है कि आने वाले समय में ना आपका रिश्ता बहुत लेवल अप होने वाला है. जैसे होता है ना फैमिली से मिलवाना, आपके जो इनसे एक्सपेक्टेशंस हैं उनको पूरा करना, तो लिटरली आपको लगेगा कि कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ मैं, या कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ मैं. ऐसे कैसे हो सकता है, ये पर्सन इतना कैसे क्या बदल सकते हैं, ये आपको फील हो सकता है, टू बी वेरी फ्रैंक. ठीक है, अब वो समय आ रहा है आपके लाइफ में जहां पे इक्वल गिव एंड टेक होगा. आज तक सिर्फ आप ही दे रहे थे इस रिश्ते में, आप ही इन्वेस्ट कर रहे थे, बट अब ये पर्सन इन्वेस्ट करने वाले हैं. मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं इस रिश्ते में अगर कोई चीज छुपी हुई थी, कोई चीज अनएक्सपेक्टेड थी, आपको पता ही नहीं चल रहा था कि इस सिचुएशन में आगे क्या होगा, क्या ये पर्सन मुझे कमिटमेंट देगा, क्या ये मेरे साथ हमेशा रहेगा, उस चीज़ का जवाब मिलने वाला है, वो चीज़ क्लियर होने वाली है. जब ये पर्सन खुद आपको कमिटमेंट दे देंगे सामने से, या ये खुद शादी की बात करेंगे, खुद आपको फैमिली से मिलाने की बात करेंगे, खुद आपकी फैमिली से मिलने की बात करेंगे, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए कि नहीं, इस पर्सन पर ट्रस्ट किया जा सकता है. ओके, सो नेक्स्ट 9 आवर्स आपको एकदम, मैं बोलती हूँ, खुश रहो, क्योंकि ये पर्सन आने वाले हैं वापस. और अगर आप दुखी रहे तो ये पर्सन आके चले भी जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा. ठीक है, कुछ तो बैलेंस होने वाला है, कुछ तो कॉम्प्रोमाइज या कुछ इक्वल, जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें लेवल अप होने वाली है, लेवल पे आने वाली है. ठीक है, और आप देखोगे कि आप कितने खुश रहोगे इस पर्सन के साथ, आप बहुत हैप्पी एंड बहुत ही, जैसा होता है ना, पिक्चर परफेक्ट आपका रिलेशनशिप होने वाला है. पुरानी चीज़ों को मैं तो एडवाइज नहीं करूँगी, पुरानी चीज़ों के बारे में बात करो या पुरानी गिले शिकवों को ऊपर लाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ऐसा करोगे तो फिर से ब्रेकअप हो सकता है, फिर से लड़ाई हो सकती है. तो अगर इसको अवॉइड करना है तो पुरानी चीज़ों को बार बार, यू नो, गड़े मुर्दे उखाड़ो मत. जो है गया, ठीक है, चलो छोड़ो उसको. तुरंत पहले ही दिन पे डीप बातें करने की ज़रूरत नहीं है आपको. ठीक है,
मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन यू नो ये कुछ प्लान करके आ रहे हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप यू नो चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, कैसे आपका दिल जीतना है, कैसे आपको कंफर्टेबल करना है. दे नो ईच स्टेप, दे हैव यू नो दे हैव द प्रॉपर प्लान है उनके पास चीज़ों को लेकर. मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं गाइस, तो आपको भी इक्वली कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा वरना एक मैच नहीं बन पाएगा आप दोनों का. ठीक है, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिख रहा है इनके अंदर. ये जिस तरह से अप्रोच करने वाले हैं ना आपको, मतलब आप मना ही नहीं कर पाओगे. आपके पास कोई ऑप्शन, मतलब कोई ना बोलने का सवाल ही नहीं उठेगा. ठीक है, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ एनर्जीज है. यही थे और मैं आपको क्लियरली बता दूँ, यहाँ पर नज़र लगी हुई है रिश्ते को. सी द नेगेटिविटी, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे नेगेटिविटी, देख लो. जब भी ब्लैक स्पॉट्स बनते हैं इसको हम एज अ साइन ऑफ नेगेटिविटी या नज़र वगैरह स्पेल वर्क कुछ चीज़ें हैं जो कराई हुई है आपके रिश्ते पे. तो कई बार ऐसा होता है ना कि जब रिश्ते से ये चीज़ें जब तक नहीं हटती है तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाते हो रिलेशनशिप में. ठीक है, तो आप क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हो, मैं भी खुद पहन रही हूँ, देखो ब्लैक टॉर्मेलाइन है. इससे किसी भी तरह की नज़र आपको लगी हो, आपके रिश्ते को लगी हो, आपके पर्सन को लगी हो, वो निकल जाती है. और फिर क्या होता है, जल्दी से रियूनियन होता है, आप हैप्पी रहना लगते हो शुरू एक साथ. ठीक है, इसको साथ अगर इसके साथ अगर आप ये रोज़ क्वार्ट्ज़ पहनते हो तो ये तो और ज़्यादा आप दोनों के बीच के प्यार को बढ़ाता है, अट्रैक्शन को बढ़ाता है. आप दोनों एक दूसरे की तरफ खींचने लगते हो. अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है ना कि मेरा पार्टनर मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा, मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, या उसका पैशन कम हो गया है, उसका उसकी फीलिंग्स यू नो कम हो गई है पहले से, तो ये तो रामबाण है. ठीक है, ये जो है ना रोज़ क्वार्ट्ज़, ये बहुत अच्छे से उस मामले में काम करता है जहाँ पे आपके पर्सन आपके तरफ अट्रैक्ट होने लगे. चाहे आप दोनों मैरिड हो या मैरिड नहीं हो, या क्रश सिचुएशन है, आप चाहते हो मेरा क्रश मेरे तरफ अट्रैक्ट हो, मेरे लिए प्यार फील करने लगे, तो रोज़ क्वार्ट्ज़ पहनो. और अगर लगता है कि रिश्ते को नज़र लगी है जैसे मैंने अभी ये बताया, और आपके पर्सनल रीडिंग में भी ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है, तो ये और ब्लैक टॉर्मेलाइन आपको पहनना है. आप इवन प्रोटेक्शन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको पर्सनली नज़र लगती है तो. ठीक है, ये ग्रीन एवेंचर आइन है, इनकेस अगर आपको क्वेश्चन आ रहा होगा. ये अभी दिख नहीं रहा अच्छे से कलर, लेकिन ये डार्क एकदम डार्क फॉरेस्ट ग्रीन कलर है. और ग्रीन एवेंचर आइन क्या करता है बेसिकली, जिस मतलब सपोज आपको लगता है कि मेरी लव लाइफ में ना कहीं मैं बहुत अनलक्की हूँ, यू नो लक साथ नहीं देता है लव लाइफ में. देखिए हर एरिया ऑफ लाइफ में मैं मानती हूँ लक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. अगर आपका लक आपको फेवर नहीं करेगा, आप किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे. ठीक है, चाहे आपका काम हो, चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, स्टूडेंट हो, चाहे आपकी लव लाइफ है, आपकी हेल्थ है, आपकी फैमिली इश्यूज है, जो भी है, लक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. तो ये जो ग्रीन एवेंचर आइन है ना, ये आपके गुड लक को बढ़ाता है. तो अभी मैंने ये रोज क्वार्ट्ज़ के साथ पहना है, मतलब ये मेरी लव लाइफ को लकी और ज़्यादा लक फेवर करेगा मुझे लव लाइफ में. अगर मैं इसको एमेथिस्ट के साथ पहनूंगी तो मेरी हेल्थ के लिए लकी रहेगा. अगर मैं इसको सिट्रीन के साथ पहनती हूँ तो मुझे करियर अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा लक फेवर करेगा वहाँ पे. अगर मैं ये पायराइट के साथ पहनती हूँ तो फाइनेंशियल अबंडेंस के मामले में मुझे लक फेवर करेगा. तो और ऐसे भी पहन सकते हो, ज़रूरी नहीं किसी और के साथ पहनना है. तो लेना है तो आप ले सकते हो, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती है. रीडिंग से आपको गाइडेंस मिलती है और मेरे पास जो भी चीज़ें हैं उनसे आपको हेल्प मिलती है. ठीक है, एंड हाँ, क्वेश्चन अपना लिखना ज़रूर. मैंने कहीं पे इस वीडियो में एक स्क्रीनशॉट डाला होगा कि आपको सवाल कैसा लिखना है. ठीक है, मैं एग्जांपल करके मतलब वो आपको दिखाऊंगी कि आपको ऐसे इस फॉर्मेट में ही आपको सवाल देना है. डेट ऑफ बर्थ डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी नहीं करती हूँ, तो डेट ऑफ बर्थ की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है. सिर्फ आपका नाम, आपके पर्सन का या जिस पर्सन को लेकर भी सवाल पूछ रहे हो उनका नाम और क्वेश्चन अपना. ठीक है, शॉर्ट रखो, एक ही सेंटेंस में आपका सवाल आ जाना चाहिए. मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे तो मैं वो पिक नहीं कर पाऊंगी. ठीक है, और वीडियो में कहीं पे भी मैं उन सवालों के जवाब दूंगी, तो आपको पूरा वीडियो एंड से लेके फर्स्ट से लेके एंड तक देखना है. मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई ये चीज़ और करता है, मतलब हिंदी टैरो रीडर्स में से कोई नहीं करता है. मैं पहली होने वाली हूँ जो ये चीज़ करने वाली हूँ कि मैं आपके सवाल भी लूँगी. ठीक है, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय.